गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग पढ़ने के लिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हिंदी बुक निकालेंगे और जहाँ विषय सूची है उस पेज को खोलेंगे। विषय सूची यहाँ पर है आप लोगों के लिए हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस है। तो सभी बच्चे अपने ही बुक पर दाग लगाएंगे, हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस है। तो चैप्टर वन में है वीर तुम बढ़े चलो, चैप्टर टू चालाक गीदड़, चैप्टर फोर कृष्णा सुदामा, चैप्टर फाइव चंदा मामा, और गिनती है 1 से 30, 1 से 30 तक। फिर से चैप्टर वन वीर तुम बढ़े चलो, चैप्टर टू चालाक गीदड़, चैप्टर फोर कृष्णा सुदामा, चैप्टर फाइव चंदा मामा, ये और गिनती 1 से 30 तक। ये हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस है, सभी इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। फिर आप लोग पेज नंबर खोलेंगे 27, पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 में हम लोग आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर गा। क्वेश्चन नंबर गा में है बहुवाक्यिक प्रश्न, सही उत्तर चुनो। एक नंबर, सुदामा को जब समय मिलता था तो वह क्या करते थे? भजन, नौकरी और खेती। तो सही उत्तर है भजन। दूसरा नंबर, कृष्णा और सुदामा कहाँ पढ़ते थे? द्वारिका, आश्रम, गोकुल। सही आंसर है आश्रम। तीसरा नंबर, सुदामा ने लौटकर अपनी झोपड़ी की जगह क्या देखा? खेत, महल, जंगल। सही आंसर है महल। घ नंबर, सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा करो। यहाँ जो खाली जगह है उसे यहाँ दिया गया है, शब्द को चुनकर यहाँ खाली जगह को भरना है। एक नंबर, कृष्णा और सुदामा सच्चे मित्र थे। दूसरा नंबर, सुदामा गांव में रहकर गरीबी में दिन गुजारने लगे। तीसरा नंबर, सुदामा की पत्नी ने उन्हें सलाह दी। चौथा नंबर, कृष्णा ने सुदामा को गले से लगा लिया। ध्यान देंगे, ये तीसरा नंबर मैं जब पढ़ाई थी तो यहाँ अनुमति हम लोगों ने किया था, उसे आप लोग प्लीज़ काट दीजिए। सही आंसर होगा सलाह, तो आप लोग यहाँ सलाह लिखेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक नंबर, पाठ में से छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द चुनकर लिखो। यहाँ है छोटी ई की मात्रा दामहर्षि ना दिन, यहाँ है बड़ी ई की मात्रा वाला शब्द पा तान संयुक्त, बड़ी ई की मात्रा पत्नी। यहाँ पर देखेंगे छोटी ई की मात्रा वाला शब्द मित्र, शिक्षा, फिर मित्र, शिक्षा, फिर यह बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द जीवन, पानी, भाभी। बड़ी ई की मात्रा वाला शब्द है यहाँ जीवन, पानी, भाभी। फिर हम लोग पेज नंबर खोलेंगे 28, पेज नंबर 28 में है क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ो समझो और संयुक्त व्यंजन के दो दो शब्द लिखो। यहाँ पर क्या करना है, संयुक्त व्यंजन वाले दो दो शब्द लिखना है। यहाँ देखिए संयुक्त व्यंजन क्या क्या है, का हलन प्लस पेट कटा सा इच्छा, ता हलन प्लस रा त्रा, जा हलन प्लस या ग्या, सा तलब्यशा हलन प्लस रा श्रा। यहाँ उसी प्रकार ये यहाँ उदाहरण दिया गया है क्षमा, त्रिशूल, ज्ञान और श्रावण। तो हमें इसी संयुक्त व्यंजन से और हमें दो दो शब्द बनाना है। जैसे हमें इच्छा से है छय, क्षत्रिया, त्रा से है त्रास, त्रिकोण, विज्ञा से है विज्ञान, जिज्ञासा,
और श्रा से है श्राप और श्रीफल। तीसरा नंबर, समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करो। क्या करना है? समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करना है। यहाँ इस लाइन में लिखा हुआ है उपहार, दोस्त, द्वारपाल, दया और मोर। इधर में है भेंट, कृपा, मित्र, मयूर और पहरेदार। तो हम लोगों को समान अर्थ वाले शब्द को मिलाना है। यहाँ जो शब्द है यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन इससे समान अर्थ, कौन सा एक ही अर्थ वाला शब्द है उसे हम लोगों को मिलाना है। तो उपहार होता है भेंट, उदाहरण दिया गया है। तो हम लोग यहाँ नीचे देखेंगे दोस्त, दोस्त को हम और क्या कहते हैं? मित्र। द्वारपाल, द्वारपाल होता है पहरेदार। दया, कृपा और मोर, मयूर। तो इस प्रकार हम लोग इस पाठ को दोहराए, सभी बच्चे इसे ध्यान से प्रिपेयर करेंगे हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। धन्यवाद।